नमस्कार VVSS स्कूल में मैं वाई के शीर्ष को आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के माध्यमिक परीक्षा 2022 के मैथ्स के पेपर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर का पैटर्न बहुत ही आसान रहा है, 100 ऑफ 100 स्कोर करने वाला जैसा पेपर रहा। और इसमें अपन देखने चाह रहे जो खंड ए है, जो अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें आपको बहुपद दे रखा है जिसका आंसर रहेगा 2, और जो अपने पास इसके बाद में आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है उसमें रहेगा बी ऑप्शन रहेगा 36। इसके अलावा थर्ड अपने पास क्वेश्चन है उसमें रहेगा अपना आंसर अपने पास है 4 रहेगा। तो अक्ष अक्ष से दूरी है, तो अक्ष अक्ष से दूरी जो होती है वाई का मान होता है। अब यहाँ कई बच्चे सोचते हैं भाई माइनस में होना चाहिए, लेकिन दूरी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका मान रहेगा +4। अपने पास ऑप्शन रहेगा सी, राइट ऑप्शन रहेगा। अपरिमेय संख्या सीधा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा के का मान जिसके लिए अपने पास युग्म का कोई हल नहीं है, उसके लिए के इज इक्वल्स टू अपने पास है 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 है, वो दे रखा है कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं होने का मतलब अपने पास हो गया काल्पनिक होना। काल्पनिक होता है जब विवेचक का मान -0 हो, तो -0 सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें अपने पास दे रखा है कि इनके मध्य निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ए और बी का कंपैरिजन करना है, ऑप्शन रहेगा बी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको दे रखा है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको इसका मान निकालना है 2 sin A cos A का। तो आप कर सकते हैं साइन ए का मान दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 sin A, साइन ए के जगह आप लिख सकते हैं यहाँ अपने पास साइन ए है उसका मान आपको दे रखा है, तो 2 × 1/2 cos A, उसको आप लिख सकते हैं √1 − sin²A, जिसका मान अपने पास 1/2 रखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 3/4 अंदर आएगा तो बाहर निकलेगा तो √3/2। तो यहाँ से अपने पास इसका ऑप्शन अपने पास रहेगा 3/2, ऑप्शन राइट रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30/1 − tan²30, दिस इज आंसर नंबर के √3। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक पास एक को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या देखो होती है 2, 3 और 5, तो अनुकूल स्थितियाँ हो गई 3 और कुल स्थितियाँ अपने पास है 6, तो 3/6 मतलब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, तो 1/2 ऑप्शन है ए। इसके अलावा आगे अपन बात करें अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है आंकड़े दे रखे इसका माध्य, तो माध्य निकालना है, तो इनको सबसे पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, और यहाँ मैंने चेंज कर रखा है, और यहाँ मध्य वाला जो माध्य का आप देखेंगे तो वो रह जाएगा 3, तो 3 ऑप्शन राइट है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन में आपको बारंबारताओं का योग दे रखा है 60, अक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो टोटल योग बारंबारता का आप निकालेंगे तो 52 + x = 60 रखेंगे तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, तो आपको पूछा है श्रेणी पूछी है, तो इसमें आपके पास देख रहे हैं आप इसमें कि इनका अंतर कितना है, 2 का मिड है, तो इनका अंतर और 2 के मिड में देखेंगे तो अपने पास यहाँ वैल्यू जो रहेगी 3/2 और 8 ये रह जाएगा। इसके अलावा ये आपको दे रखा है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये a1/b1, b1/b2 = c1/c2 जैसा है, जो कि अपने पास संपाति होने की कंडीशन होती है, संपाति राइट रहेगा। इसके अलावा ये जो आपको दे रखा है तो इसका 3 रेशियो करेंगे और 2 से मल्टीपल करेंगे तो 5th हो जाएगा, तो 5 सही रहेगा। इसके अलावा इन दोनों के मध्य जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई है वो √50 या 5√2 हो जाएगा, इनकी वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने पास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टाइप से है, तो इस कंडीशन में इनका मान है वो 0 हो जाएगा। बहुलक की बात करें तो बहुलक यहाँ 2 है, वो मैक्सिमम 3 बार आ रहा है, इस कंडीशन में इसका बहुलक जो है वो 2 रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 70 और 1 2 अपने पास 100 इसके पास सॉरी 120 दे रखा है, तो इसका एलसीएम देखेंगे तो अपने पास हो जाएगा 360। इसके अलावा दे रखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यांक है वो 3 और -2 दे रखा है, तो अपन जानते हैं द्विघात समीकरण के लिए क्या करते हैं, अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग α+β और x + α β = 0, तो यहाँ α β है वो अपने पास कितना दे रखा है, α β अपने पास जो दे रखा है
वो दे रखा है माइनस के 3, तो यहाँ माइनस के 3 रख देंगे, माइनस माइनस दोनों है वो प्लस हो जाएंगे, और एल्फा बीटा का मान आपको दे रखा है 2, तो इक्वेशन हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये अपने पास का मान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है दे रखा है इसके शून्यांक, तो शून्यांक आपको ज्ञात करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू अक्स की फाइंड करेंगे, तो यहाँ अपने पास जो मान है वो अपने पास आ जाएगा +4 और -2। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें ये इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ बना रखिए। इसके अलावा अगला जो द्विघात समीकरण रूप में लिखना है, सोल्व करेंगे तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा 5 सेमी का आपको रेखाखंड खींचना है, उसे सम विभाजित करें, इसे आप कर लेंगे। इसके अलावा ये आपको मूलों की प्रकृति देखनी है, वास्तविक और भिन्न भिन्न अपने पास आ जाएगी। विवेचक से निकालते हैं b² - 4ac, जिसका मान अपने पास है पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, और अपने पास पॉजिटिव वैल्यू रहने पे इसकी वैल्यू जो रूट अपने पास निकलेंगे वो डिफरेंट रहेंगे और रियल रहेंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन अपने पास जो दे रखा है उसमें आपको कह रखा है कि इनका मध्य बिंदु जो पी और क्यू है, उसका पी और आर का मध्य बिंदु वो क्यू है, तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो अक्ष इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। ये मैंने नीचे यहाँ सोल्व कर रखा है, तो इसको आप देख लेंगे। यहाँ से इक्वल अपन 0 रखेंगे क्यू की वैल्यू, अक्ष अक्षिस जो निर्देशांक है, और पी और आर के अक्षिस निर्देशांक है, उनका मिड निकाल लेंगे, तो यहाँ से इसको फाइंड करने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसका वाला अगला क्वेश्चन जो देखिए, इसके अंदर अपने पास वैल्यूज है वो 2 आ जाएगी, सोल्व कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू रखने हैं। अगले वाले में आपको दे रखा है 3 रेड बॉल दे रखी है और 5 ब्लैक बॉल दे रखी है, और रेड बॉल होने की आपको प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। तो 3 रेड बॉल है, टोटल अपने पास 8 है, तो 3/8 है ये इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है tan A cot B इज इक्वल्स टू a+b cot और tan B, इनमें आप चाहे जैसे चेंज कर सकते थे, tan को चेंज करेंगे तो इसको 90 - A लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू cot B है, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो a+b इज इक्वल्स टू अपना आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है माध्य, तो माध्य ज्ञात करना है, तो टोटल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 80/6 इज इक्वल्स टू 40/3 ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है इसके पदों की संख्या, तो पदों की संख्या आप निकाल लेंगे। लास्ट पद आप लास्ट जो टर्म आपको दे रखा है वो 32 दे रखा है, फर्स्ट टर्म इज ए 10 दे रखा है, एंड डिफरेंस यदि देखेंगे तो वो -3 है, तो यहाँ इक्वेशन अपन फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस कंडीशन में इसको सॉल्व करने पर n इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से 200 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, तो अपने पास आ जाएगा, ये क्वेश्चन सीधा है, इसको आप ध्यान में भी रख सकते हैं, बहुत बार निकाला हुआ है, तो इसका मान आ जाएगा 20,100, तो ये अपने पास आ जाएगा। बाकी आप फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हैं, 200 धन पूर्णांक दे रखे हैं, तो उसमें डी का मान 1 रखना है, फर्स्ट वैल्यू 1 रखना है, लास्ट वैल्यू 200 रखना है, तो सॉल्व कर लेंगे, ऐसा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें मूल ज्ञात करने हैं, तो इसके मूल आएंगे -10 एंड +18, ये अपने पास क्वेश्चन। अगला 7 दे रखा है सिंपल, तो ये अपने पास है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, समीकरण युग्म सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको दे रखा है SCF निकालना है, तो SCF इसका अपने पास है 8 आ जाएगा। शून्यांक निकालने हैं, तो ये अपने पास हो जाएगी x² - 3 हो जाएगा। यहाँ आपको रेशियो निकालना है, yx किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखो अक्ष अक्ष निर्देशांक कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रहेगा, तो वहाँ से अक्ष अक्ष निर्देशांक से निकालेंगे, यहाँ मैंने सोल्व कर रखा है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी k की, तो रेशियो जो है 5:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो दे रखा है उसमें 1/2 रेशियो में फाइंड करना है, इसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको sin A = 3/5 दे रखा है, तो यहाँ इसका आधा निकालेंगे तो वो 4 आ जाएगा। बाकी आपको tan निकालना है, तो tan A आप निकाल लेंगे लंब बटे आधार, और cos निकालेंगे तो वो अपने पास आधार बटे कर्ण हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे तो 31/20 इसका मान हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6 को 10 को साइन cos में कन्वर्ट करना है, और नीचे LCM अपने पास आ जाएगा, LCM लेंगे तो cos LCM आ जाएगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 1 - 1 + sin x बनेगा, और आगे अपने पास जो वैल्यू cos x था ही नीचे, और यहाँ से ये 1 - sin x है, दोनों में आप असमिका लगाएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ इसका मान जो है वो अपने पास 1 - sin² हो जाएगा, एक cos कट के cos आ जाएगा, ये आप कर लेंगे। इसका माध्य आप जानते हैं σ f(x / σ f से, तो
ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, इसको फाइंड कर लेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटन से अधिक प्रकार में निकालें, तो इसको अधिक प्रकार में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, जीतने के ए के जीतने की प्रायिकता है वो बी के जीतने की पूछिए, तो मतलब बी तभी जीतेगा जब ए हारेगा, तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, वो अपने पास 1-0.62 कर देंगे, तो इस कंडीशन में 0.38 अपने पास इसका आंसर राइट रहेगा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है, ज्योमेट्री से है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास नेक्स्ट है, इसमें दोनों ही क्वेश्चन अपने पास इजी है, कोई सा भी कर सकते हैं सिंपल। इसके अलावा अगला आपको निकालना है बहुलक, निकालना है तो बहुलक निकाल देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा। इसके अलावा डी सेक्शन की बात करें तो डी सेक्शन में आलेखीय विधि से आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे, इसके वैल्यूज अपने पास निकाल लेंगे आलेखीय विधि से टेबल बना के। और यहाँ अपने पास एक्स बराबर अपने पास 5 और वाई बराबर अपने पास 3 है, वो फाइंड हो जाएंगे। तो मतलब बिंदु जो है 5-3 पे ये दोनों इंटरसेक्ट करने वाले हैं, तो आप इसको आप देख लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अपने पास 22 बात करें, ये अपने पास इसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा इसका जो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है वो भी सिंपल दे रखा है। इसके अलावा यहाँ जो दे रखा है माध्य में दे रखा है, तो सिंपल माध्यक निकालना है तो माध्यक आप इसको निकाल लेंगे। इसी प्रकार से नीचे वाला यदि बहुलक का करना चाह रहे हैं तो बहुलक कर लेंगे। यहाँ जो माध्यक वाला जो क्वेश्चन है उसमें माध्यक जो आप निकालेंगे तो वो आप चेक कर लेंगे, 8.05 आने वाला है यहाँ। तो यहाँ अपने पास कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप मैथ्स के इस पेपर में कितना स्कोर कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर जुड़े रखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।